हेलो गाइस, हाजिर हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 2 के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोइचिरो टोकितो से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, यहाँ से चले जाओ, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें वो की नहीं देने वाला, और उस की को यूज कैसे करना है वो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और तांचिरो ये सब देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और वो उसे बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और वहां पे मोइचिरो उस आदमी को पकड़ के रखा होता है और तांजिरो जो होता है वो मोइचिरो का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है उसे जाने दो। मोइचिरो जो होता है उससे बोलता है तुम्हारी आवाज जो है बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तांजिरो जो होता है वो मोइचिरो का हाथ दबाने की कोशिश करता है, बट मोइचिरो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस पर कोई भी असर नहीं होता। और तांजिरो बोलता है ये आखिर है क्या, इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा पतली और ये मुझसे छोटा भी है, बट स्टिल मैं इसका हाथ नहीं दबा पा रहा हूँ। और मोइचिरो जो होता है वो अपने एक हाथ से तांजिरो के पेट में मारता है और इस वजह से तांजिरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर के खांसने लगता है। और मोइचिरो बोलता है हे बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम आखिर एक डीमन स्लेयर कैसे बन गए। और वो उसके बॉक्स को देखकर बोलता है मुझे इस बॉक्स में से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ तो है। और वो अपने हाथ उस बॉक्स को ओपन करने उसे देखने के लिए आगे बढ़ाता है और तांजिरो उसके हाथ पे मारकर उसको पीछे कर देता है और बोलता है तुम इसे छूने की कोशिश भी मत करना। और मोइचिरो के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होता और तांजिरो उस छोटे से बच्चे को उठाता है और वो छोटा बच्चा बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, मुझसे दूर हट जाओ। तांजिरो उससे बोलता है तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। और वो आदमी बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को भी वो चाबी नहीं देने वाला, अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करो तब भी नहीं, वो जल्दी ही टूटने वाला है। मोइचिरो उधर से बोलता है क्या तुमने कभी टॉर्चर देखा है, बड़े लोग भी इस टॉर्चर को सह नहीं पाते और तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है तुम एक छोटे से बच्चे हो जिसे अपनी जगह का पता नहीं और क्या होगा अगर वो टूट जाए और फिर से उसे बनाने ला। तुम्हें पता है तुम जब से बहुत टाइम से बस बड़बड़ा ही रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हाल ही में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यही होता है जब तुम एक पिलर के रास्ते में आते हो, तुम्हारी तरह नहीं एक पिलर का टाइम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुम इस बारे में सोचो तब तो तुम समझ ही जाओगे। स्वॉर्ड स्मिथ कभी भी फाइट नहीं कर सकते हो, स्वॉर्ड स्मिथ कभी भी किसी की भी लाइफ को नहीं बचा सकते, वो बस सिर्फ वेपन बनाने में और इसके अलावा किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते। चलो अब वो चाबी जो है जल्दी से मुझे दे दो। और ये सब सुनकर उस स्वॉर्ड स्मिथ की जो है हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी होता है। और तांजिरो मोइचिरो के हाथ में बहुत जोर की ताली मारता है और उसके ऊपर भाई गुस्सा हो रहा होता है बहुत ही ज्यादा। और मोइचिरो को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आता, वो उससे कहता है कि ये किस लिए था। तांजिरो कहता है मुझे नहीं पता पर मैं तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा कठोर एक्ट कर रहे हो। मोइचिरो बोलता है क्या सच में तुम्हें लगता है। मोइचिरो बोलता है शायद तुम सही बोल रहे हो, तुमने जो बोला वो पूरी तरह से गलत तो नहीं था पर वो सही भी नहीं था। और तांजिरो जो है उससे बोलता है एक स्वॉर्ड स्मिथ की जॉब जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा स्किल होती है और एक स्वॉर्ड मैन एक स्वॉर्ड स्मिथ से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, अगर स्वॉर्ड स्मिथ हमारे लिए वेपन ना बनाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और एक स्वॉर्ड मैन को एक स्वॉर्ड स्मिथ के साथ बहुत ही अच्छे से काम करना आना चाहिए, वो दोनों हर एक दिन एक ही लड़ाई करते हैं और हम सब अपनी अपनी जगह अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और वहाँ मिस्टर हागा नाजुका ये सब छुपकर सुन रहे होते हैं उन सब की सारी ये हरकतें। और मोइचिरो बोलता है मेरे पास इतनी फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मोइचिरो तांजिरो के ऊपर घूंसा मारता है जिसकी वजह से तांजिरो नीचे गिर जाता है और कुछ देर बाद तांजिरो को होश आता है और वो अजीब सा फेस बना के बैठ जाता है। और जो छोटा सा बच्चा होता है वो उससे बोलता है तुम काफी जल्दी उठ गए, क्या तुम ठीक हो। और तांजिरो उससे बोलता है क्या मिस्टर हागा नाजुका यहाँ पर थे। और वो बच्चा बोलता है नहीं वो यहाँ पे नहीं थे। और तांजिरो बोलता है मुझे ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ पर थे। और वो बोलता है कि वो पिलर कहाँ चला गया। और वो आदमी बोलता है और वो बच्चा बोलता है कि मैंने उसे चाबी दे दी इसलिए वो यहाँ से चला गया। और तांजिरो उससे बोलता है क्या सच में तुमने उसे चाबी दे दी, लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या थी, शायद से मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए था। और वो बच्चा बोलता है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे जैसे एक अजनबी के लिए खड़े रहे, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू।
और तांजीरो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आया। और वो उससे पूछता है वैसे वो चाबी किस चीज की थी, और वो आदमी बोलता है कि वो चाबी एक मैकेनिकल डॉल की। तांजीरो बोलता है क्या, और वो फिर लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है कि हाँ वो एक मैकेनिकल डॉल, और वो बोलता है कि मेरे एंसेस्टर्स ने उसे बहुत पहले बनाया, उसकी टोटल 108 मूवमेंट्स हैं। और तांजीरो बोलता है ये तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और वो बच्चा जो होता है वो उसे बताता है कि वो जो गुड़िया यानी कि वो डॉल है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो बताता है कि काफी लोग जो है उसे ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। और तांजीरो बोलता है लगता है वो भी ट्रेनिंग करने के लिए गया है। और फिर वो लड़का बोलता है कि वो डॉल जो है बहुत जल्दी टूटने वाली है। और फिर उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, और फिर वो बच्चा जो होता है वो बोलता है क्या ये उसी की आवाज है, और वो जो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और फिर हम वहां पर देख सकते हैं जो मोइचिरो टोकिटो होता है वो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर जो बच्चा होता है वो बोलता है ये वही डॉल है जिसे मेरे एंसेस्टर्स ने कई साल पहले बनाया था, का नाम जोरिची जारीशिको है। भाई बड़ा अजीब सा नाम है यार। और तांजीरो जो होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आखिर ये डॉल है कौन, लगता है मैंने इसे पहले कभी देखा हुआ है। और वो सोचता है आखिर इसके 6 आर्म क्यों है, और वो उससे भी पूछता है। और वो बच्चा बताता है कि मेरे फादर के हिसाब से एक्चुअली एक स्वॉर्डमैन का मॉडल है, इसके 6 आर्म देना बहुत ही ज्यादा जरूरी थे वरना वो उसकी मूवमेंट के लिए मतलब उस डॉल की जो फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब। और जो तांजीरो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, आखिर ये है कौन। और वो बच्चा बोलता है कि सॉरी बट इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। और वो बोलता है लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये सन गोकू एरा से है। और तांजीरो बोलता है सन गोकू एरा यानी कि ये 300 सालों से भी ज्यादा पुराना है, ये आखिर टूटा क्यों नहीं। और वो बच्चा उसे बताता है कि इस डॉल को जो है इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि इसकी परफेक्शन आज भी हम अचीव नहीं कर सकते। और वो कहता है कि अगर ये टूट जाता है तो हम इसे किसी भी तरह से सही नहीं कर पाए, और मेरे फादर की अचानक ही डेथ हो गई थी और मेरा कोई सिबलिंग भी नहीं है, इस वजह से इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, बट मेरे अंदर ब्लेड्स और डॉल को फिक्स करने का टैलेंट नहीं है। और वहीं वो उस लड़के को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी एज भी उसी की इक्वल होगी, और वो जो है बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और पीछे से मोइचिरो का क्रो बोलता है ये इंसान ब्रीथ ऑफ द सन का डिसेंडेंट है, ये जीनियस है और वो तुमसे बिल्कुल अलग है। और तांजीरो उस क्रो को देखकर बोलता है सन ब्रीथ मतलब वो ओरिजिनल ब्रीथ, वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है बट वो सन ब्रीथिंग को यूज नहीं करता। और ये सुनते ही मोइचिरो का क्रो तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, वो बोलता है चुप हो जाओ बेवकूफ मैं तुम्हारी आंखें नोच दूंगी। तांजीरो बोलता है वो ड्रीम जो मैंने देखा, हाँ मैंने इस वॉरियर को अपने ड्रीम में देखा था। और वो क्रो बोलता है कि तुम जो है पूरी तरीके से पागल हो, क्या तुम कभी इस विलेज में आए भी हो, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। और ये सुन के मुझे हंसी आती है कि तुम किसी ऐसे वॉरियर को जानते हो जो सेनबुकू एरा में एग्जिस्ट करता था, तुम्हारी एज क्या है। और इन सब बातों का तांजीरो के पास कोई जवाब ही नहीं होता, और तांजीरो बोलता है मुझे माफ करना मैं अजीब लग रहा हूँ। और फिर वो बच्चा बोलता है लगता है ये कोई तुम्हारी मेमोरी है जो कि पास स्टोर हुई है, विलेज में अक्सर लोग बोला करते हैं जो कपड़े ही नहीं सिर्फ इनहेरिटेज करे जाए, लिविंग थिंग्स उनकी मेमोरी को भी पास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम फोर्स करी हुई स्वॉर्ड की मेमोरी देखता है, या फिर उसे पता है कोई चीज कैसे करनी है हालांकि उसने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, हम इसे इनहेरिटेड मेमोरी कहते हैं। तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे एंसेस्टर्स की मेमोरी होगी। तांजीरो वहां पे बोलता है थैंक यू मेरा नाम तांजीरो कमाडो है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और अब वो स्वॉर्ड स्मिथ वाला छोटा बच्चा हमें अपना नाम बताता है, मेरा नाम कुतेसु है और तुम्हें इस क्रो की बकवास सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहाँ तांजीरो कुतेसु से बात कर रहा होता है लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है, वहाँ पर मोइचिरो ने डॉल को काफी बुरे तरीके से डैमेज कर दिया होता है बट अभी भी ये डॉल का आर्मर ही जो कि मोइचिरो ने डैमेज किया। और कुतेसु वहां से घबरा कर बहुत ही जल्दी भाग जाता है और तांजीरो उसका पीछा भी करता है। तांजीरो बोलता है कुतेसु मेरी स्कैनिंग सेंस बहुत ही अच्छी है, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगा। और तांजीरो जो होता है उसे ढूंढ लेता है, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हो। तांजीरो बोलता है हाँ तुम सच में क्लाइंबिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो। कुतेसु तुम चिंता मत करो, उस डॉल को रिपेयर करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, तुम गिव अप मत करो, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें मेहनत करनी होगी ताकि तुम 10-20 साल बाद एक अच्छे स्वॉर्ड स्मिथ बन सको। और वहाँ तांजीरो की बातें सुनकर कुतेसु बोलता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं बस एक पैथेटिक गाय हूँ, ये सब मेरी जनरेशन में ही खत्म होगा, ये सब मेरी गलती है। और कुतेसु फ्रस्ट्रेशन में अपनी उंगलियां चबा रहा होता और तांजीरो जो होता है उसे रोकता है और वो उससे कहता है यार तुम ऐसा मत बनो, वो कहता है कि तुम अपने बारे में ऐसा मत सोचो। और तांजीरो जो है अचानक से बिना साउंड किए हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो
उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि सच में ये बहुत ही कमाल का स्वॉर्डमैन है। और तांजिरो बोलता है अगर तुम ये खुद नहीं कर सकते तो ये कोई और कर देगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी ताकि तुम इसे अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सको। अगर तुम ये ना कर पाओ तो हो सकता है तुम्हारे आने वाली जनरेशन के जो बच्चे होंगे वो भी कर सकते हैं। मैं मुजान को हराना चाहता हूँ और मैं अपनी सिस्टर को बचाना चाहता हूँ जो कि एक डीमन बन चुकी है, और ये सब करते करते मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई तो किसी दिन इन सबको जरूर खत्म करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किसी अपर मून को हरा के काफी सारी जिंदगियां बचाई हैं, और वही जिंदगियां किसी दिन मुजान को जरूर हराएं। चलो हम मिलके कोशिश करते हैं। और तांजिरो की ये सारी बातें सुनके कोतेसु के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है, और वहाँ पर कोतेसु जो होता है वो रुते रुते बोलता है मैं अपनी आंखों के सामने उस डोल को टूटता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, शायद उसका ट्रेनिंग सेशन रात तक खत्म हो जाएगा तो मैं अपने आप को मेंटली रेडी कर रहा हूँ। और तांजिरो ये सारी बातें सुनकर उसकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और कोतेसु अपनी एज बताता है, वो बोलता है कि मैं 10 इयर्स, और तांजिरो बोलता है मेरा ब्रदर भी, और तभी वहाँ पर मोइचिरो आ जाता है और वो दोनों मोइचिरो को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। कोतेसु उससे पूछता है क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, मोइचिरो बोलता है हाँ ये बट मेरी स्वॉर्ड टूट गई तो मैं सोच रहा हूँ ये डॉल की स्वॉर्ड मैं ले लूँ, और वहाँ पर मोइचिरो उस डॉल की एक स्वॉर्ड ले लेता है, और अब कोतेसु भागते हुए उस डॉल के पास जाता है और मोइचिरो अपनी पुरानी स्वॉर्ड को फेंक देता है और बोलता है मेरे लिए इसे खत्म कर दे, और मोइचिरो वहां से चला जाता है। तांजिरो बोलता है मुझे इसमें से कोई मलिशियस सेंस नहीं हो रही है, शायद ये जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तांजिरो दौड़ता हुआ कोतेसु के पास जाता है, और हमें दिखाया जाता है कोतेसु जो है डॉल के सामने खड़ा होता है, और वहां पर जो है बारिश होने लगा, और वहां पर उस डॉल की हालत जो है काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तांजिरो कोतेसु के पास जाता है और उसके कंधे पर जो है अपना हाथ रखता है और उसे बोलता है शादी कम से कम थोड़ा मूव तो कर पाए, और कोतेसु तांजिरो की तरफ देख, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलके जो है डॉल को खड़ा करते हैं। कोतेसु बोलता है कि मूव नहीं कर रहा, और फिर हम देखते हैं कि वो जो डॉल होती है अपने आप ही वर्क करने लगती है, और तांजिरो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कोतेसु ये मूव कर रहा है, और कोतेसु जो होता है बहुत ही सीरियस वॉइस में बोलता है तांजिरो ट्रेनिंग करो, तुम्हें उस बेवकूफ इंसान से ज्यादा स्ट्रांग बनना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और तांजिरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है अभी अभी हम ट्रेनिंग कैसे करें, और वो बोल रहा होता है तांजिरो प्लीज स्ट्रांग बनो, और उस बेवकूफ से बोलना यही है जो तुम कर सकते, तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हैं इसे काटने की जरूरत। और वहां पर कोतेसु अपना सारा का सारा गुस्सा ओइचिरो को गालियां देते हुए निकाल रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करते करते उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और तांजिरो बोलता है अब मैं मरने वाला, मैं इसके 6-6 हाथों से नहीं जीत, और उस डॉल के अटैक की वजह से तांजिरो काफी ज्यादा दूर जाके गिर। कोतेसु तांजिरो के पास आता है और वो उससे बोलता है अभी इसके सिर्फ 5 आर्म है, एक आर्म उसने असमझ ने तोड़ दिया, वो उसके अपने साथ ले गया, तो इसकी बैटल कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, और अगर तुम इससे भी हार जाते हो तो तुम भाई कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, और तुम अपना बेस्ट दो, और तुम अपने हैबिट के हिसाब से मूव कर रहे हो, तुम्हें अपने एनिमी के मूवमेंट के हिसाब से अपना डिसीजन लेना होगा, तुम ऐसा कर नहीं पा रहे इसी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, मैं सरप्राइज हूँ तुम इतने लंबे वक्त तक जिंदा कैसे रहे, मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हो, और अभी से मैं जैसा बोलता हूँ अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। और ये सब सुन के तांजिरो के तो बिल्कुल ही होश उड़ जाते, वो बोलता है कि तुम जो है बहुत ही ज्यादा रूड हो। तांजिरो और कोतेसु डॉल के पास खड़े होते हैं और वो उससे बोलता है कि मैंने उस कमीने को नहीं बताया कि इस डॉल की मूवमेंट के पीछे लगे चाबी से चेंज कर सकते, और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो डॉल जो है तांजिरो को अगेन से बहुत जोर से हिट करती है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर। कोतेसु बोलता है आराम से करो तांजिरो, मैंने इसे नॉर्मल स्किल से बदल दिया है वरना अभी तक तो तुम मारे जाते, और वहाँ पर कोतेसु बोलता है मैं ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन हो चुके हैं, और वो उससे बोलता है तांजिरो क्या तुम्हें पता है कल से मैं इस डॉल के हाथ में असली स्वॉर्ड दे दूंगा, और वो तांजिरो बोलता है लगता है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा इसी ट्रेनिंग से, और कोतेसु बोलता है तुम्हें आज भी खाना नहीं मिलेगा, और कोतेसु जो होता है वो तांजिरो को बहुत ही ज्यादा अच्छी से उसे ट्रेन कर रहा होता है, और कोतेसु बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, इसकी स्किल्स तो अच्छी हैं पर तांजिरो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करता तो ये सच में उसे भाई खाना पीना बिल्कुल भी नहीं देता है, इसे ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और तो और भाई ह्यूमंस के लिए पानी पीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो 3 दिन तक पानी नहीं पिएगा तो भाई वो मर जाएगा, लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोतेसु को नहीं पता। और वहाँ तांजिरो जैसे तैसे सर्वाइव करने में
कामयाब हो रहा होता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के वक्त जो है बारिश हो रही और उसके इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में उसे खाने पीने के लिए भाई कुछ भी नहीं मिलता है। और कहा जाए कि भाई तांजीरो संजू रिवर को क्रॉस करने के करीब है और संजू रिवर को रेफरेंस दिया गया है रिवर ऑफ। और अब यहाँ पर हमें एक फनी सीन देखने को मिलता है, तांजीरो यहाँ पर भूखे पेट जा रहा होता है एक ब्रिज के ऊपर से और वहां पर वो कमजोर फील करता है और वो रिवर में गिर जाता है और वहाँ उसे पानी जो है बहुत ही ज्यादा डार्क और हैवी लग रहा होता, लेकिन वो थोड़ा सा हॉट और ऐसा उसे लग रहा था कि जैसे उसे बहुत सारे हाथ मिलकर मसाज दे रहे हो। और बट उसके बीच में तांजीरो को वहाँ पर कुछ साइन करते हुए दिखता है और तांजीरो उसे लेने की कोशिश और उसे पानी के अंदर भी ग्लोइंग स्टोन की स्मेल आती और फिर हम वापिस से तांजीरो की ट्रेनिंग पे आ जाते और तांजीरो बोलता है ये कैसी स्मेल है, ये कोई ओपनिंग थ्रेड तो नहीं है। बट पता नहीं तांजीरो कैसे बट उस डॉल के मूवमेंट को सेंस करने लग जाता और तांजीरो उस डॉल के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक अटैक करने में भाई कामयाब हो जाता। बट अभी भी वो डॉल तांजीरो के ऊपर भारी पड़ रही होती है और भाई तांजीरो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी और तांजीरो वहाँ जमीन पे पड़ा होता और यहाँ पर कुतेसु बोलता है आखिरकार तुम इस डॉल के ऊपर एक अटैक करने में कामयाब हो गए हो, तुमने अच्छा काम किया बट इससे डॉल के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इसके लिए तुम्हें कुछ खाना जरूर मिलेगा। और भाई वो 7 डेज में फर्स्ट टाइम खाना खाता है और खाना खाते वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और अब तांजीरो अपने एनिमी की मूवमेंट को यानी कि डॉल की मूवमेंट को काफी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा था और अब वो सिर्फ स्मेल करके ये बता सकता है कि उसका एनिमी कहां से और कब अटैक करने वाला है। बट ये स्मेल जो है काफी ज्यादा फास्ट डिटेक्ट होती है और इस चीज में अभी तांजीरो को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम पिलर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन तांजीरो के पास अभी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है जो कि उसकी हेल्प करेगा और तांजीरो की अभी भी ट्रेनिंग जारी है और दोबारा से तांजीरो को उस डॉल को मारने का एक और मौका मिल जाता और वो सोच रहा होता है और वहीं पर कुतेसु उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, अगर तुम इसे तोड़ भी दोगे तो मैं इसे वापस से जोड़ दूंगा। और वहां पर कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, अगर तांजीरो उस डॉल को नहीं मारता तो वो डॉल तांजीरो को मार देगी। और वहां से कुतेसु बोलता है तांजीरो रुकना नहीं है, तुम अपना बेस्ट दो। और अब तांजीरो जो होता है उसके हेड पे अटैक और इस वजह से भाई तांजीरो की स्वाट टूट जाती है और भाई तांजीरो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा हो और कुतेसु दौड़ते हुए उसके पास आता है और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, और तांजीरो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने तुमसे जो स्वाट ली थी वो टूट चुकी है। और कुतेसु की नजर डॉल पे जाती है और वो वहां पर देखता है कि डॉल का हेड जो होता है जहाँ पे अटैक किया था वो टूट जाता है और फिर उसके सर से जो है एक स्वॉर्ड निकलती है। और भाई हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एंड लव यू।